हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, कि मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या होता है, ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग होता है वो हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले जो है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्या मीनिंग रहेगा इसका, कि व्हेन असेसी और असेसिंग ऑफिसर एज द केस मे बी इज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द ऑर्डर। अब यहां पे हमसे कह रहा है कि या तो असेसी या फिर असेसिंग ऑफिसर जो है ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं करते, किसी भी ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं करते, और उनको जो है रिसिप्टा नोटिस, एक नोटिस मिलता है कि उनके अगेंस्ट जो है एक अपील जो है फाइल की गई है दूसरी पार्टी द्वारा, यानी कि असेसिंग ऑफिसर के खिलाफ जो है असेसी कर सकता है अपील फाइल, और जो है असेसिंग ऑफिसर जो है असेसी के अगेंस्ट जो है अपील फाइल कर सकता है या फिर कमिश्नर के खिलाफ, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, मान लो कि असेसी ने क्या किया कि असेसिंग ऑफिसर के खिलाफ जो है अपील फाइल कर ली उसके ऑर्डर के खिलाफ, तो अब असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा। अब उसको तो नोटिस आ गया कि हाँ भाई जो है इस असेसी ने मेरे ऑर्डर के अगेंस्ट जो है अपील फाइल करी है, तो अब वो क्या करेगा, एक स्टेटमेंट प्रेजेंट करेगा। उसी स्टेटमेंट को जो है हम कहेंगे मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। मतलब सीधी सी बात है कि उस स्टेटमेंट में वो वही लिखेगा कि उसने ये जो ऑर्डर है ये किस बेस पर दिए हैं, है ना। तो ये जो है मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन कहलाएगा वो स्टेटमेंट, ठीक है। बट यहां पर हमसे एक बात बोल रहा है कि ही मस्ट फाइल ए मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन विद इन 30 डेज, कि उसको ना वो जो मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन है वो 30 दिन के अंदर अंदर ही फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो सच मेमोरेंडम शेल बी डिस्पोज ऑफ बाय द एपीलेट ट्राइब्यूनल, तो वो जो मेमोरेंडम होगा वो कौन जो है डिस्पोज ऑफ करेगा, एपीलेट ट्राइब्यूनल एज इफ इट वर एन अपील, अगर वो है अपील होगी तो, ठीक है। अब यहां पे हमसे एक और बात वो हमसे बोल रहा है कि ऑन दी अदर हैंड इफ देयर इज अ सेटिस्फैक्टरी रीजन, अगर कोई ऐसा सेटिस्फैक्टरी रीजन है, जायज रीजन है कि फॉर नॉट प्रेजेंटिंग सच मेमोरेंडम विद इन टाइम, कि भाई जो है मेमोरेंडम जो है वो विद इन टाइम प्रेजेंट नहीं कर पाया और उसके पास एक सेटिस्फैक्टरी रीजन है, तो जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है मे सबमिट एन अपील, तो वो जो है उस अपील को सबमिट कर लेगा अपीलेट ट्राइब्यूनल और परमिट दे देगा कि मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन को फाइल करने की आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम, मतलब टाइम एक्सपायर होने के बाद भी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो या पसंद आई हो और इसका मीनिंग अच्छे से समझ आ गया हो तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। थैंक यू सो मच।